नमस्कार, मैं प्रखर कुमार आपको भारत के उत्तर पूर्वी हिमालयों में स्थित एक ऐसा राज्य जो बहुत ही खूबसूरत है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। वो राज्य है सिक्किम। पूर्वी हिमालय में बसे होने के कारण यहाँ पर जैव विविधता, उपोष्ण कटिबंधीय वातावरण देखने को मिलता है। सिक्किम राज्य को हिमखंड का घर भी कहा जाता है। यहाँ पर एल्पाइन घास के मैदान और हजारों प्रकार के वनस्पति भी पाए जाते हैं। सिक्किम भारत का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। यहाँ का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। यह पर्वतीय राज्य उत्तर में तिब्बत, पूर्व एवं दक्षिण में भूटान एवं पश्चिम में नेपाल से घिरा हुआ है। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, जो नेपाल और सिक्किम के बीच एक सीमा के रूप में खड़ी है। सिक्किम में घूमने के लिए आप वन्य जीव अभ्यारण, तीर्थ यात्रा, विरासत पर्यटन, तिब्बतियन स्टाइल बुद्धिस्ट कॉम्पास, ट्रेकिंग, झील, हिमखंड, पेड़ पौधे और जीव जंतु देख सकते हैं। सिक्किम पहुंचने के लिए आपको रेल, सड़क और हवाई यात्रा तीनों ही सुविधाएं मिल सकती हैं। इसलिए आप सिक्किम जरूर आएं और स्वर्ग जैसे वातावरण का अनुभव उठाएं। धन्यवाद।